नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। यहां हर रोज 13,000 से ज्यादा यात्री ट्रेनें चलाई जाती हैं। भारत की बहुत बड़ी आबादी रोजाना ट्रेन से यात्रा करती है। ऐसे में टिकट, ट्रेन रनिंग स्टेटस समेत कई ऐसी बातें होती हैं जिनके लिए यात्रियों को लंबी लाइन में लगना पड़ता है, जिसमें उनका बहुत वक्त बर्बाद होता है। ऐसे रेल यात्रियों के लिए कुछ कामगर ऐप हैं जो उनके मोबाइल में होने चाहिए। कुछ ऐसे ही ऐप के बारे में हम बताने जा रहे हैं जो हर रेल यात्री के मोबाइल में होना चाहिए। NTES, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम, यानी NTES इंडियन रेलवे का ऑफिशियल ऐप है। इस ऐप से ट्रेन रनिंग स्टेटस, लाइव स्टेशन, ट्रेन का शेड्यूल, किस किस स्टेशन के बीच कौन कौन सी ट्रेन चलती है, ट्रेन के कैंसिल होने, रीशेड्यूल होने और डाइवर्ट होने जैसी जानकारी आप इस ऐप से ले सकते हैं। IRCTC रेल कनेक्ट, एंड्रॉइड यूजर्स के लिए IRCTC का ये ऑफिशियल ऐप है। इस ऐप से आप न सिर्फ जनरल टिकट बल्कि लेडीज, तत्काल, प्रीमियम तत्काल कोटा से टिकट बुक करवा सकते हैं। साथ ही साथ आप अपना PNR स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। eRail.in, इस ऐप से पैसेंजर इंडियन रेलवे से जुड़ी तमाम जानकारी हासिल कर सकता है। ये ऐप भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा और सबसे अपडेटेड ट्रेन डेटाबेस मेंटेन रखता है। इस ऐप से रिजर्व्ड, अनरिजर्व्ड और सब अर्बन ट्रेनों की जानकारी ले सकते हैं। रेल यात्री, ट्रेन का रनिंग स्टेट पता करने के लिए रेल यात्री सबसे भरोसेमंद ऐप में से एक है। ये ऐप ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्रियों के GPS का इस्तेमाल कर ट्रेन का रनिंग स्टेटस बताता है। PNR चेक करने पर यह ऐप बताता है कि आपके वेटिंग टिकट के कंफर्म होने का कितना फीसदी चांस है। Where is my train? इस ऐप की खासियत ये है कि ऑनलाइन रहते हुए जहां आप ट्रेन का रनिंग स्टेटस और PNR चेक कर सकते हैं, तो वही इंटरनेट कनेक्शन नहीं होने पर इंडियन रेलवे और IRCTC के टाइम टेबल ऑफलाइन देख सकते हैं। स्मार्ट एप्स इंडिया, इस ऐप पर ट्रेनों का लाइव स्टेटस, सीट अवेलेबिलिटी, टिकट फेयर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेन का खाना नहीं पसंद तो इस ऐप की मदद से आप ट्रेन में खाना भी ऑर्डर कर सकते हैं। इक्सिगो, इस ऐप से ट्रेन रनिंग स्टेटस, PNR स्टेट विद प्रिडिक्शन के साथ साथ ट्रेन टिकट भी बुक कर सकते हैं। इसके अलावा इंडियन रेलवे से जुड़ी दूसरी जानकारी भी इस ऐप से ली जा सकती है।